अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन। मेरे YouTube चैनल नसरीन्स किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आज मैं इसको आइसक्रीम के साथ बनाऊंगी। मेरी दूसरी वीडियो भी डली हुई है कोल्ड कॉफ़ी की, उसका अलग तरीका है। बहुत तरीके से बनाई जाती है कोल्ड कॉफ़ी, तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कोल्ड कॉफ़ी। इसके लिए हमने लिया है ये 2 गिलास दूध, फुल क्रीम चिल्ड दूध लिया है हमने, 2 चम्मच कॉफ़ी ली है हमने, 2 टेबल स्पून चीनी ली है, और हमने कोको पाउडर लिया है थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। यह हमने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 1 कटोरी। यह हमने चॉकलेट सिरप लिया है, इसको हम कॉफ़ी के अंदर भी डालेंगे और ऊपर से गार्निश भी करेंगे और गिलास भी गार्निश करेंगे इससे हम। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हम जार में दूध डालेंगे पहले, ये दूध डालेंगे पहले हम। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, चीनी डालेंगे, थोड़ा सा ये कोको पाउडर भी डाल देंगे। ये हमने कॉफी में पानी डालकर घोल लिया है इसको अच्छे से, ये डाल देंगे इसमें। यह हमारी बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी बनके तैयार होगी। इसमें अब हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, ये 2 चम्मच के बराबर डालेंगे। कोल्ड कॉफ़ी को और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम आइसक्रीम भी ऐड करेंगे, वेनिला आइसक्रीम डालेंगे हम, चॉकलेट आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 1 मिनट के लिए मिक्सी में चला लेंगे। ये देखिए कोल्ड कॉफ़ी हमारी तैयार है, हमने इसको 1/2 मिनट चलाया है मिक्सी में। अब हमने ये गिलास फ्रिज में रखकर ठंडे कर लिए हैं। अब हम इनको गार्निश करेंगे चॉकलेट सिरप से। चॉकलेट किसी भी तरीके से फैला लेंगे हम, थोड़ा इसकी तली में भी डाल देंगे नीचे। अब हम इसको चॉकलेट पाउडर से गार्निश कर देंगे, कोको पाउडर से। आप सुन रहे होंगे मेरे बेटू की आवाज़ हमजा की, ये पूरा बेचैन है कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। अब हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे, इससे इसका टेस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। आपको जितनी पसंद हो उतनी डालें, मैं इसमें कम से कम 2-2 चम्मच भर के डालूँगी। आप देख रहे हैं इसको, अब हम इसको चॉकलेट सिरप से गार्निश करेंगे। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है ये।
ये लीजिए, तैयार है हमारी कोल्ड कॉफी। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार हुई है। आप भी हमारे इस तरीके से बनाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।